केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल 2023 से श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ से खुलने जा रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग मयूर दीक्षित ने केदारनाथ यात्रा के सफल संचालन हेतु संबंधित विभागों के द्वारा की जाने वाली तैयारियों एवं व्यवस्थाओं को मार्च माह के अंत तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, ताकि केदारनाथ धाम में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। जिलाधिकारी के निर्देशों का पालन करते हुए संबंधित विभाग अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। केदारनाथ धाम पैदल मार्ग से DGMA के द्वारा बर्फ हटाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटाने के लिए DGMA के द्वारा 50 से अधिक मजदूर अलग अलग टीमों में कार्य कर रहे हैं। जल्द ही पैदल मार्ग से बर्फ हटा दी जाएगी। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। देखिए, अभी केदारनाथ धाम के ट्रैक रूट पर 50 हमारे श्रमिक कार्य कर रहे हैं, और जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वहाँ पर थोड़ी बर्फ़ ज़्यादा है, जिसको कटान करने का कार्य भी गतिमान है। और अगर मौसम ठीक रहा आगे तो हम लोग 3 मार्च तक, हमारा प्रयास है कि हमारा जो ट्रैक रूट है वो पूरी तरह से खुल जाएगा, और उसके बाद हमारे जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं उनको प्रारंभ कर देंगे। इसके साथ ही जो हमारे ट्रैक रूट मरम्मत के कार्य हैं या फिर कोई परिसंपत्तियाँ अगर कोई बर्फबारी की वजह से डैमेज हुई होंगी तो उसका रिपेयरिंग का कार्य भी ऊपर शुरू हो जाएगा।